अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले का 24वां थाना मंगलवार को अस्तित्व में आ गया। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मंगलवार को पद्मनापुर थाने के रूप में जिले के 24वें थाने का शुभारंभ किया। इसके अलावा नगपुरा पुलिस चौकी भी अस्तित्व में आ गई है। थाने का शुभारंभ करने के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने थाने के रोजनामचा रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर भी किए। पद्मनापुर थाने के शुभारंभ अवसर पर दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बागलीवाल, एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, सीएसपी वैभव वेंकर सहित थाने का स्टाफ मौजूद रहा। देखिए, हम विधानसभा में लगातार मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते रहे, गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते रहे कि ये बहुत सेंसिटिव इलाका होते जा रहा है, यहाँ पर थाने की आवश्यकता है, पुलिस बल बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, आज से 31 वर्ष पूर्व मोतीलाल वोरा जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने यहाँ पर चौकी की स्थापना की थी और तब से लेकर आज तक ये यहाँ पर चौकी के रूप में है। और अभी वर्तमान में हमारे भूपेश बघेल जी ने और गृह मंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी तो थाना का वो हुआ और बजट में हमने 50 लाख रुपए इसमें स्वीकृत कराए हैं। तो आगामी वर्ष में इसका बिल्डिंग का भी निर्माण कार्य चालू होगा 50 लाख की लागत से, और ये सड़क भी यहाँ पर नहीं थी पहुँच मार्ग, उस सड़क का भी निर्माण कराया। अब सुविधाओं का की पूर्ति होने जा रही है। अभी बीच में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार आने के बाद हमने मुख्यमंत्री को अवगत कराया, गृह मंत्री को अवगत कराया और अभी 50 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं, इसका निर्माण होगा, पुलिस बल बढ़ेगा। और जैसा कि आप जानते कि कांग्रेस में के शासनकाल में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, भाजपा के शासनकाल में असुरक्षित महसूस करते थे, उसी का परिणाम है कि जहाँ जहाँ चौकी है वहाँ चौकी खोली जा रही है। इससे जनता को बहुत फ़ायदा होगा। पहले यहाँ पे FIR रजिस्टर नहीं होता था, जीरो में होता था, फिर थाने में जाके रजिस्टर को टाइम लग जाता था, जो एंटी सोशल लोग हैं उनको पकड़ने में देरी होती थी। अब यहीं पर थाना हो जाएगा तो लोग आके सीधा शिकायत करेंगे, सीधा FIR होगा, उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। करीब 15 वार्ड और करीब 2 ग्राम पंचायत को इससे फ़ायदा मिलेगा। जो शासन की नीति है कि शासन की सुविधाएं जन जन तक उनके पास जाके पहुंचे, उसमें एक बड़ा कदम है। अभी ये चौकी यूनियन होकर थाना बना है, 2 चौकी स्वीकृत हुआ है, आज एक बुलगांव क्षेत्र में चौकी का भी उद्घाटन होना है, तो निश्चित रूप से जनता को इससे बहुत फ़ायदा होगा और कानून व्यवस्था इम्प्रूव होगा और जो अपराध पे जो है नियंत्रण होने में सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से शासन अभी बजट है, बजट में चीज़ों को रखा जाएगा, धीरे धीरे करके सुविधाएं व्यक्त कराई जाएंगी, नागरिकों को सुविधा हो वो हमारी प्रथम जो है प्रायोरिटी है। मुख्यालय को उसके लिए प्रस्ताव भेजा गया, जल्दी ही मुख्यालय से स्वीकृति मिलेगी तो आगे उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। सारा व्यवस्था के लिए पुलिस मुख्यालय को लिखा गया है अभी, क्योंकि तत्कालीन रूप से चौकी को थाने में उन्नयन किया गया, जनता को फायदा मिले, पुलिस वाले की सहूलियत के लिए पुलिस मुख्यालय से पत्राचार किया जा रहा है। मेरा संदेश है कि अपराध की दुनिया में ना घुसे, पुलिस दुर्ग पुलिस जो है जनता जो है पुलिस की नाक आंख और कान हो गई है, लगातार वहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं और लगातार दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।